षण्मुग रत्न अवार्ड दिया है, ये षण्मुगानंद सभा का प्रेसिडेंट शंकर का मैं आभारी है। मेरा आई डेडिकेट दिस अवार्ड टू द स्टाफ ऑफ आदित्य ज्योति हॉस्पिटल, कमला सुंदरम फाउंडेशन एंड सुंदरम नटराजन ब्लाइंड फ्री इंडिया फाउंडेशन। सो द होल आइडिया इज़ फॉर माई टीम। सो आई थिंक बहुत सम्मान दिया है, ये सब मेरा स्टाफ की वजह से। मेरा आइडिया मेरा है एंड प्रॉब्ली रिसोर्सेज मेरा है, बट टोटली काम ये स्टाफ कर रहा है, बोथ मेडिकल नॉन मेडिकल एंड ऑल्सो सोशल वर्कर्स। एंड हमको लाइक मेरा फादर एंड ग्रैंड फादर आई डॉक्टर था, दोनों गरीब लोग के लिए काम किया, गोबिकर देवर गवर्नमेंट सर्वेंट। मैं प्राइवेट में है, इसके लिए मेरा फादर बोला धारावि में चालू करने का, सो चालू किया। अभी जोसेफ का कमला सुंदर फाउंडेशन का मैनेजर है, इसको नीचे रिसर्च भी कर रहा है, चैरिटी एक्टिविटी चैरिटेबल आई केयर कर रहा है। सो मेरा महत्व मेरा आइडिया है, ये अवार्ड ये स्टाफ को मिलना चाहिए एंड मैं स्टाफ को ऑल्सो सम्मान देगा, सो दैट बहुत सर्विस कर सकता है। सर धारावी भी बहुत बड़ा स्लम है और वहाँ पर आप लोगों को सेवा दे रहे हैं, किस तरीके की सेवा है, कैसे आप लोगों को सेवा दे रहे, फ्री में है या कैसे आप सेवा दे रहे हैं? टोटली फ्री है। एक है डायबिटीज इंडिया में 100 मिलियन पीपल, इसका मतलब 10 करोड़ का आदमी को डायबिटीज है, बट इसमें ओनली 6 करोड़ का डायबिटीज है नहीं अभी नहीं मालूम है। सो हम धारावी में इसको फ्री शुगर टेस्ट करता है, किसको डायबिटीज़ है बहुत अदर ब्लड टेस्ट करता है एंड आँख में रेटिना का फोटो निकालता है, OCT टेस्ट करता है, किसको लेज़र चाहिए लेज़र करता है, किसको एंजियोग्राम करने का रेटिना एंजियोग्राम करता है, किसको सर्जरी चाहिए सब फ्री करता है। बट इनकेस पेशेंट्स इधर KEM हॉस्पिटल और नायर हॉस्पिटल और साइन जाने के लिए तैयार है, अभी मैं हम BMC में से MOU किया, उधर भी डायबिटीज़ के लिए हम मोबाइल यूज़ करके ऑफलाइन AI टेक्नोलॉजी सब स्टाफ को यूज़ करने का मालूम है एंड ये लोग यूज़ करके कौन सा पेशेंट को डायबिटीज़ का रेटिना का बीमारी है वो उधर इधर किधर भी हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सर बच्चों को ज़्यादा करके अब मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं, बच्चे छोटे बच्चे खास करके, उसके वजह से आँखों को बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए और किस तरीके से जो बच्चों को एडिक्ट हो चुका है, आँखों का बहुत बड़ा दिक्कत हो चुका है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? ये क्या आँख में मायोपिया बोलता है, मायोपिया मतलब माइनस नंबर ग्लास पहनता है, ये आई बॉल जा लॉन्ग हो रहा है। सो ऐसा होएगा पर प्रॉब्लम क्या है, मायोपिया की वजह से 10,000 में एक में रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। दूसरा है ड्राई आई सिंड्रोम होता है। सो ये सब प्रिवेंट करने के लिए बच्चे लोग नियर का काम ज़्यादा नहीं करना चाहिए पढ़ने का, बट मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलरली बिलो द एज ऑफ 5 मोबाइल देना नहीं चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मोबाइल गेम सब 3 साल उम्र का बच्चों भी खेल रहा है, माँ बाप का बिजी होएगा एंड इसको डिस्टर्ब नहीं करने के लिए मोबाइल दे रहा है, ये अच्छा नहीं है। मैं 30 साल के पहले अमेरिका जाने के टाइम ये लोग बोला आप बच्चों को केयर टेकर को ले रह रहा है, बट केयर टेकर ये TV डाल के रख रहा है, बट एक्चुअली अननोन आदमी को आप घर में अंदर रखा है। इसका मतलब अभी पूरा दुनिया बच्चों के हाथ में देते के जाए, बिकॉज कुछ भी देख सकता है, इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इंटरनेट का फ्री मिल रहा है। सो इसके लिए फ्री नहीं, व्हाटएवर आप करते हैं, सो इसमें TV न्यूज़ देख सकता है, खराब न्यूज़ भी देख सकता है एंड गलत न्यूज़ भी पढ़ सकता है एंड गलत सच क्या है गलत क्या है ये उम्र में नहीं समझता। तो बड़े लोग भी सर इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा नहीं। सो इसके लिए बच्चे लोग डेली 2 घंटे सूर्य खेलने का, इसका मतलब मुंबई में 5 से 7 तक खेल सकता है, ईस्ट इंडिया में चेन्नई वगैरह साउथ में 4 to 6 बिकॉज 6 बजे का आजू बाजू में सनसेट होएगा। सो सनलाइट में खेलेगा एंड देन बुक पढ़ेगा, TV ज़्यादा नहीं देखेगा और मोबाइल नहीं ज़्यादा देखेगा, मायोपिया आने के लिए चांस एकदम कम होता है एंड देन ये ज़्यादा यूज़ करेगा मायोपिया आएगा, मायोपिया की वजह से फिर 18 उम्र के बाद लैसिक सर्जरी और कुछ करना पड़ेगा, सो खर्चा भी है एंड आँख नॉर्मल आँख का ऑपरेशन करना पड़ता है। सो मेन आई थिंक
मोबाइल क्या चीज़ के लिए रखा है यूज़ करने का एंड मिनिमम यूज़ करेगा अच्छा है। सर मायोपिया की सिम्टम्स क्या है, किस तरीके से पता चलेगा? मायोपिया इज नॉट ए डिजीज, ये सिम्टम नहीं है। मायोपिया मतलब माइनस नंबर ग्लास पहनता है, सो आंख आई बॉल 22 मिलीमीटर नॉर्मल होएगा। मायोपिया में आई बॉल लॉन्ग होता है फ्रंट टू बैक में, सो लॉन्ग होने के टाइम रेटिना का स्ट्रेच हो सकता है। सो ऐसा 10,000 में एक में वीक पॉइंट है। दूसरा अननेसेसरी सी मैच चश्मा नहीं पहनता है, फिर हम आई थिंक कंटिन्यूसली खेला एंड प्लस जेनेटिकली मेरा फादर मदर ग्रैंड मदर सबको मायोपिया नहीं था, बट अभी देखेगा ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट पर्सन का मायोपिया है, बिकॉज ऑल द टाइम ट्रेन में देखेगा और फ्लाइट में देखेगा सब लोग ओनली मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। सो कौन सा भी उम्र में बच्चों भी मोबाइल में खेलता है और एडल्ट्स भी इधर मूवी दिखता है और टीवी न्यूज़ चैनल दिखता है, इवन बड़ा स्क्रीन अभी प्लेन में ऑल्सो नहीं निकाल दिया, सो छोटा स्क्रीन रखा है, बट ये आँख का स्ट्रेन होता है। फॉर्चुनेटली ब्लाइंडनेस नहीं होता है, बीमारी नहीं होता है, बट अननेसेसरीली चश्मा पहनना पड़ता है। ये प्रिवेंट करने के लिए अभी सिंगापुर में बड़ा रिसर्च किया वेयर एक ड्रॉप एट्रोपिन 0.05% ये बच्चों को यूज़ कर सकता है। ये पीडियाट्रिक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करना चाहिए, कोई दूसरा कोई चालू नहीं करना है। सर आज आप खुश है क्या, आज अवार्ड दिया है तो? नहीं, मेरे को अभी ये उम्र में अवार्ड के ऊपर कुछ नहीं है, देखेगा मैं रोज नॉर्मल लगता है, बट एक है मेरा थर्ड फ्लोर अब जाएगा से देखेगा, अवार्ड रखने के लिए जगह नहीं है, सो मेरा भी मेरा घर में भी जगह नहीं है। सो मेरे को कल मेरा घर में वाणी है, ये पूछा सर इसके लिए मैं एक यूट्यूब में देखा एक आदमी एक घर लेके करेगा, मे भी म्यूजियम करना पड़ेगा, बट बाद में सोचा म्यूजियम डेड होने के बाद करता है। मेरा आइडिया है यंगस्टर्स को इंस्पायर करने का, हमारे पास आज ज्योति आया, प्रथमेश आया एंड इवन संदीप आया अवार्ड देखने के लिए, सो ये लोग का मेरे को देखे ऐसा काम करने के लिए इंस्पायर करने के लिए मेरे का खुश है। एंड सेकंड अवार्ड, बिकॉज अवार्ड कोई इतना बड़ा सभा अवार्ड दे रहा है, ये पूरा दुनिया में फेमस है, कल 8 बजे से सब लगे, एम एस सुब्बल कश्मीर से बड़े बड़े विद्वान आके इधर गाना म्यूजिक सब किया है एंड इवन ए आर रहमान, सो आई थिंक अवार्ड का रिसीव करने के लिए ये हमारा टीम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सो इसके लिए मैं ले रहा है। अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा मैं काम करने वाला है। एंड सेकंड है आई ऑलरेडी स्वामी विवेकानंद के ऊपर मैं बताया एंड डॉक्टर बद्रीनाथ लास्ट ईयर मेरा गुरु मर गया, बट मेरा मन में क्या है स्वामी विवेकानंद ऐसा काम करने का, अभी नाम को ज़रूरत नहीं है, नाम आएगा बट ठीक है सब लोग मेरा नाम से अच्छा होएगा अच्छा है।